पुलिस ने एक शातिर इसमें एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 75 ग्राम हेरोइन जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। सिंगरौली पुलिस जेल में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान चला रही है, जिसके तहत कई अपराधियों पर अभी तक पुलिस का शिकंजा कस चुका है। पुलिस को सूचना मिली थी कि शातिर अपराधी मनोज कुमार गुप्ता एनसीएल बाउंड्री के पास मादक पदार्थ हेरोइन की तस्करी रात्रि में करेगा। सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस ने इलाके की घेराबंदी करके मनोज कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मनोज के पास से 75 ग्राम हेरोइन जब्त की, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।